विधानसभा चुनाव में लगभग एक हफ्ते का समय शेष रह गया है। चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दल भी काफी सक्रिय हो गए हैं। अभी तक दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का सिलसिला आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो बीजेपी से खुद कमान अमित शाह ने संभाली हुई थी, लेकिन इसी कड़ी में खबर आ रही है कि दिल्ली में एनडीए रविवार को सुपसंडे बनाने में पूरी ताकत लगाने वाली है। इसके लिए दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह एक मंच पर नजर आएंगे। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आए हैं। अमित शाह के अलावा पार्टी ने अपने 75 प्रमुख नेताओं को चुनावी अभियान में यहां झोंक दिया है, लेकिन इस बार दिल्ली में पहली बार बिहार में एनडीए गठबंधन की बाकी दोनों सहयोगी पार्टियां यानी जेडीयू और एलजेपी भी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी से गठबंधन किया है और दोनों दलों को क्रमशः 2 और 1 सीट मिली है। नीतीश कुमार और अमित शाह की रैली 2 फरवरी को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में होगी।